স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশের সমস্ত প্রতিরক্ষা সংস্থার উৎপাদিত সমরাস্ত্রের প্রদর্শনীর সূচনা হলো সোমবার। এদিন ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ও মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত বিভিন্ন সমরাস্ত্রের প্রদর্শনী করা হলো। এই প্রদর্শনী চলবে আগামী 19শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ইনসান্স রাইফেল, শটগান, সিঙ্গেল গান থেকে শুরু করে স্নাইপার, সমস্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং মেটাল ফ্যাক্টরিতে বোফোর্স ব্যারেল, টি-20 সারাং সহ বিভিন্ন উৎপাদিত অস্ত্র নিয়েই এই প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনীর দিনেই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শনী দেখতে ভিড় জমালেন। मैसेज क्या देंगे आप भी? हमारी सरकार चाहती है कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों। हमने आज़ादी के 75 वर्ष की तैयारी करी है, वो दिखाना है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हों। वो दिखाने का उद्देश्य था कि हमारी निर्माण इस तरह से रक्षा के क्षेत्र में जिसमें कितना कितना आम सा है एंट्रेंस मिलेगा स्कूल स्टूडेंट का, कॉलेज स्टूडेंट का एंट्रेंस मिलेगा? सबको किसी को रोक नहीं, सभी को प्लान, हमने सभी को एंट्री दिया है, जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। सिविल मामला को काम मिला है आप लोग? सिविल आप तो पुतला कसम को देश का हो गया है, खिलाफ सिविल को काम मिला है, बड़ा मिला है सिविल का भी काम मिला है कोई रेलवे बोर्ड से बड़ा होना 121 करोड़ का रेलवे सरकार का रास्ता है। थैंक यू सर।